Hello, welcome to my channel Maths-O-Matic, makes maths easy. Today we will study class 6 chapter 7 fractions exercise 7.1 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे fractions. ये fractions क्या होता है आइए देखते हैं. यहाँ पे देखिए ये एक फिगर दिया हुआ है. इसको मैंने क्या किया है, मैंने इसको दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो मैंने इसको बीच में ऐसे लाइन टान दिया है. तो क्या हो गया, ये मेरा एक पार्ट हो गया और ये मेरा दूसरा पार्ट हो गया है ना. तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट. तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टोटल साइड्स कितना है इसका. देखिए ये हो गया पहला साइड और ये हो गया मेरा दूसरा साइड. अब देखिए नंबर ऑफ साइड्स कवर्ड, यानी यहाँ पे मैंने एक साइड को ऐसे कवर कर दिया है. ठीक है, लाइन टान के ऐसा मैंने एक साइड को कवर कर दिया. ओके, इसीलिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ साइड्स कवर्ड इज 1. देयरफोर इसका फ्रैक्शन क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ टोटल साइड कवर्ड. किस चीज का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं यहाँ पे, फ्रैक्शन ऑफ टोटल साइड कवर्ड, यानी कि जितना मेरा कवर्ड है उसका फ्रैक्शन क्या होगा. देखिए ये हो गया मेरा 1/2. तो ऐसा मेरा 1/2 क्यों हुआ, आइए देखते हैं. यहाँ पे मेरा टोटल कितना साइड है, दो साइड है. ठीक है, पहला ये और दूसरा ये, इसलिए जो भी मेरा टोटल नंबर ऑफ साइड होगा वो आ जाएगा मेरा डिनोमिनेटर में. ध्यान रखिए फ्रैक्शन लिखने के टाइम पे जो भी मेरा टोटल होगा वो आ जाएगा मेरा कहाँ, डिनोमिनेटर में. ओके, और जो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा वो आ जाएगा कहाँ, वो आ जाएगा मेरा न्यूमरेटर में. ये हो गया मेरा डिनोमिनेटर जो कि आ गया नीचे ये वाला, और ये हो गया ऊपर वाला मेरा न्यूमरेटर. ओके, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फ्रैक्शन ऑफ टोटल साइड कवर्ड. तो टोटल साइड जो मेरा कवर हुआ है उसका फ्रैक्शन पूछ रहा है. तो यहाँ पे कितना था टोटल साइड, 2 था. तो टोटल मेरा कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आ गया मेरा 2. और टोटल साइड कवर्ड कितना है, कवर यहाँ पे सिर्फ एक साइड है, तो इसलिए देखिए नंबर ऑफ साइड्स कवर्ड क्या है, 1. तो ये आ गया मेरा न्यूमिनेटर में, तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/2. बहुत आसान है. अब आइए नेक्स्ट देखते हैं. ये है मेरा एक सर्कल, इस सर्कल को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. देखिए तो ये हो गया मेरा पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा. तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है, 4. तो टोटल पार्ट्स कहाँ पे आता है फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में. देखिए टोटल पार्ट्स आ गया मेरा डिनोमिनेटर में. अब क्या बोलता है यहाँ पे, फ्रैक्शन ऑफ किस चीज का फ्रैक्शन, टोटल साइड्स कवर्ड. तो यहाँ पे कितना साइड कवर्ड है, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक साइड कवर्ड है ना. तो यहाँ पे मेरा ऊपर में क्या आएगा, न्यूमिनेटर में ये आ गया मेरा 1. तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो गया, मेरा फ्रैक्शन हो गया ना 1/4. आगे आंसर. अब देखिए ये कहता है फ्रैक्शन ऑफ टोटल साइड्स एम्प्टी. ठीक है, देखिए यहाँ पे कवर्ड कितना साइड है, एक साइड कवर्ड है. तो यहाँ पे एम्प्टी कितना साइड है, यहाँ पे ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है और ये एम्प्टी है, यानी कि 3 साइड यहाँ पे मेरा एम्प्टी है. तो यहाँ पे मेरा न्यूमरेटर में क्या आएगा, 3, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ साइड. देखिए न्यूमरेटर में मेरा आ गया 3 और टोटल नंबर ऑफ साइड क्या है मेरा, 4. तो ये हो गया मेरा डिनोमिनेटर. आगे आंसर, बहुत इजी है. देखिए नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बनाया है और इस रेक्टेंगल को हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसे लाइन टान के इसमें कुछ ब्लॉक्स बना दिया है. देखिए तो इस तरीके से यहाँ पे कितना ब्लॉक्स बना, ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3, ये बन गया 4, ये बन गया 5, ये बन गया 6 और ये बन गया 7. तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितना है यहाँ पे, 7. तो यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 7. यहाँ पे मेरा आ गया 7 डिनोमिनेटर में, टोटल नंबर हमेशा नीचे आ गया. देखिए फिर यहाँ पे क्या पूछता है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल साइड्स कवर्ड. तो यहाँ पे कितना साइड कवर्ड है, 1, 2, 3. तो देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर में आ गया मेरा n, यानी कि न्यूमिनेटर में कितना साइड कवर्ड था, 3. तो आ गया मेरा 3. बहुत ही आसान है. देखिए फ्रैक्शन ऑफ टोटल साइड्स एम्प्टी. तो यहाँ पे एम्प्टी कितना साइड है, देखिए ये एक साइड एम्प्टी है
और ये एम्प्टी है, ये और ये, तो कितना हुआ 1, 2, 3, 4, यानी कि टोटल यहाँ पे 4 साइड्स एम्प्टी है, तो ये 4 कहाँ पे आ जाएगा मेरा न्यूमरेटर में, टोटल साइड कितना है 7, देखिए ये 7 आ गया मेरा डिनोमिनेटर में और एम्प्टी साइड था वो मेरा आ गया न्यूमरेटर में। आप देखते हैं एक और सर्कल यहाँ बना हुआ है, इस सर्कल में कितना देखिए ब्लॉक्स बना हुआ है, इस सर्कल में यहाँ पे 8 ब्लॉक्स बना हुआ है, ध्यान से देखिए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और 8, यहाँ पे इस सर्कल को हम लोगों ने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ टोटल साइड्स कवर्ड, यहाँ पे कितना साइड कवर है, देखिए यहाँ पे कितना साइड कवर्ड है, सिर्फ ये एक साइड कवर्ड है और ये एक साइड कवर्ड है ना, तो यहाँ पे मेरा सिर्फ 2 साइड कवर्ड है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा मेरा 2 आ गया मेरा 2, देखिए, और यहाँ पे टोटल कितना साइड है 8 साइड्स, यहाँ पे देखिए आ गया मेरा 8 डिनोमिनेटर में, ये कहता है टोटल साइड्स कवर्ड, तो आ गया मेरा 2/8 हो गया। अब देखिए ये कहता है फ्रैक्शन ऑफ टोटल साइड्स एम्प्टी, कितना साइड्स एम्प्टी है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 साइड्स एम्प्टी है, यहाँ पे देखिए ऊपर में 6 आ गया और नीचे में टोटल नंबर ऑफ साइड यानी कि 8 था वो आ गया, क्या हो गया मेरा आंसर 6/8। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ x/y, यानी कि ये हो गया मेरा ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला हो गया मेरा क्या डिनोमिनेटर, देखिए x इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड y इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, टोटल नंबर ऑफ साइड कहाँ पे आता है डिनोमिनेटर में, और जो क्वेश्चन में पूछेगा वो कहाँ पे आता है न्यूमरेटर में। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन to get new video updates.